तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी हम जा रहे हैं कोकराझार में, मतलब कि हम लोग का जो नियर बाई टाउन है। एक्चुअली मैं कल भी गया था, मतलब जो ये हैंडल बार है ना, जो ये हम लोग का हैंडल है क्लिप ऑन, तो इससे तो ये अच्छा ही है, कंफर्ट भी इतना भी ख़राब नहीं है, ठीक ठाक ही है। मतलब अगर आप 100 किलोमीटर जाते हो पर डे तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन लॉन्ग टूर करने से थोड़ा दिक्कत आता है, जैसे कि 200 किलोमीटर क्रॉस होने से ही थोड़ा, मतलब पहली बार राइड करने में अच्छा ही लगता है, लेकिन बाद में थोड़ा होने से भी दिक्कत लगता ही है। तो इसीलिए मैं ये हैंडल बार को मतलब चेंज करना चाह रहा है, मतलब जो एम टी का हैंडल है वो लगाना चाह रहे हैं। पहले ड्यूक का लगाने वाला था, लेकिन ड्यूक का जो इधर पे वो क्लेम होता है वो क्लेम मिलता नहीं है, और जो खुद ड्यूक का ही क्लेम है वो बहुत ज़्यादा प्राइस है। मतलब आप एफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इतना एफोर्ड करके लगा के कुछ फ़ायदा है, क्योंकि हम लोग को बस एक टूरिंग टाइप का हैंडल ही चाहिए, मतलब जो जैसे कि एफ जेड पे होता है, एम टी में होता है। तो मैं एम टी का हैंडल लगाना चाह रहे हैं, तो हैंडल तो मिल जाएगा कहीं भी, इधर नहीं होगा तो कहीं पे मिल ही जाएगा, मतलब कोई ना कोई शोरूम पे। तो जो इम्पोर्टेंट बात है वो है क्लेम, मतलब बहुत लोग क्लेम बहुत तरीके से लगाते हैं, तो मैं आप लोग को डिटेल से बता दूंगा धीरे धीरे। आप लोग वीडियो देखते जाइए मेरा, क्लेम कैसा लगा रहा हो, कैसा बनाना है, कितना कॉस्ट पड़ेगा सब बोल रहा हो, तो देखते रहिए वीडियो। पहले चलते हैं दुकान पे। अभी का वेदर भी बहुत अजीब है, थोड़ी देर पहले बारिश जैसा हो रहा था, अभी फिर से धूप आ गया। तो गाइस, टाउन तो मिल गया फाइनली कोकराझार, और हम लोग को अभी फ्यूल अप करना है, मतलब पेट्रोल नहीं है गाड़ी बाइक पे, पेट्रोल घुसाना पड़ेगा पहले। और एम टी का हैंडल है कि नहीं वो भी शोरूम पे पूछ के जाना है, शोरूम भी इधर ये अभी ट्रक रुकता क्यों नहीं है। तो पहले हम यहाँ पे घुसाते हैं, तो गाइस पेट्रोल का दाम पता नहीं कब कमेगा, जो एक्स्ट्रा प्रीमियम है उसका दाम 96 समथिंग है, मतलब 1 लीटर पे ऑलमोस्ट 97 आप पकड़ सकते हैं 100 ही, तो पता नहीं इतना दाम क्यों है। तो गाइस जैसे कि एक्सपेक्टेड था, मतलब बोला कि जैसे कि अभी इंटर डिस्ट्रिक्ट मतलब लॉकडाउन चल रहा है ना, ये डिस्ट्रिक्ट से वो डिस्ट्रिक्ट नहीं जा सकते, एक्चुअली जा सकते हैं नियर बाई वाला, इतना भी प्रॉब्लम नहीं है, अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज अच्छा हो तो, मतलब अप डाउन होते रहता है तो। पर फिर भी जैसे कि गवर्नमेंट रूल्स है नहीं जा सकते हैं, तो उसके वजह से बोला कि अभी तो हैंडल ये लोग का पास नहीं है, तो पता नहीं वो दूसरा वाला पे होगा कि नहीं, दूसरा वाला पे नहीं होगा उसका चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे रहता ही नहीं है सामान ज़्यादा। तो गाइस जैसे कि देख पा रहे हैं, ये वाला एक टॉप प्लेट है जो कि मेरा एक दोस्त का है, मतलब वो इसको कस्टमाइज करके खुद बनाया, तो मैं भी ऐसे ही बनेगा सेम, लेकिन मैं थोड़ा अलग डिजाइन से बनाएगा। आप लोग देखते जाइए वीडियो को, मतलब क्या है ना, ऐसा टॉप प्लेट बनाने से थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता है, तो मेरा वाला ऐसा होगा डिजाइन, मतलब थोड़ा अप किया मैं, तो आप देखते जाइए वीडियो को। तो गाइस फिलहाल मैं चला रहा हूँ ये मेरा एक दोस्त का बाइक, जिसका वो टॉप प्लेट था वही बाइक है ये वाला, वो ऑलरेडी अभी हैंडल खोल लिया फिर से, वो बहुत दिन चला है वो हैंडल से। तो अभी हम इसे थोड़ा घूमने चला आया, क्योंकि वो बनाते बनाते थोड़ा लेट हुआ, तो सोचा थोड़ा घूम के आ जाए, और मेरा बाइक मेरा दोस्त चला रहे और मैं उसका बाइक चला रहा हूँ अभी थोड़ा। और ये बाइक का ऊपर काफ़ी सारा मॉडिफिकेशन करके रखा है, एग्जॉस्ट भी चेंज किया, आप लोग साउंड सुन ही पा रहा होगा, कभी टाइम मिला तो इसका ऊपर ज़रूर रिव्यू बनेगा एक। तो गाइस यही है वो टॉपलेट जो मैं बनवाया, कलर थलर दे के अभी इसको सुखा के रखा था, तो अभी इसको बाइक में लगाएगा मैं, आप लोग पिक पे देख ही पा रहा होगा। तो गाइस फाइनली आज हम लोग का हैंडल लगने वाला है, और आज है तीसरा दिन, और फिलहाल वो टॉपलेट थोड़ा धूप पे सुखा के रखा है, और वो टॉपलेट कोई भी वेला दुकान में जाने से आप लोग को बना के दे देगा। आप मेरे इधर से फोटो ले लेना जो मैं ऑलरेडी थोड़ी देर पहले दिया, और ये क्लेम हीरो होंडा का है, अब उधर जाने से मिल ही जाएगा, और ये हैंडल एम टी का। तो अभी ये भैया ठीक से लगा के दे रहे, अब लोग देखते जाइए वीडियो को,
और जो क्लेम है उसका कॉस्ट मुझे 400 पड़ा, कहीं कहीं पे 500 भी ले सकता है, और जो हैंडल है वो 300 समथिंग पड़ा, 350 ही पकड़ लो, और जो टॉप प्लेट बनाने में लगा उसको 500 लगा है। अगर आपका वेल्डर ज़्यादा जान पहचान है शायद कम भी ले सकता है, और कलर में एक्स्ट्रा 150 गया, तो आपका ओवरऑल कॉस्ट 2000 का आसपास ही आएगा, 2000 ही आएगा ऑलमोस्ट, क्योंकि इधर में फिटिंग चार्ज भी देना पड़ेगा भैया को। तो जो भी हो अभी आप लोग वीडियो आगे देखते जाइए। और ये जो फ्रेम खुला, फ्रेम इसलिए खुला क्योंकि जो यहाँ का वेयर है वो सब थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। वेयर तो काफ़ी है, आप लोग आसानी से लगा सकते हैं, बस उसको थोड़ा जो फोल्ड है वो फोल्ड सब निकल के थोड़ा बाहर लाना पड़ता है। अगर आपका मैकेनिक अच्छा है तो ईजिली आप लोग को कर देगा। तो अभी आप वीडियो देखते जाइए। तो गाइस जो MD15 का हैंडल का जो होल है और जो हम लोग का R15 में जो होल रहना चाहिए वो थोड़ा मिलता नहीं है, तो इसके लिए इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। अभी भैया ड्रिल करके लगेगा इसको, ये ज़्यादा हर्ट कम नहीं हो जाएगा, कोई भी दुकान पे जाने से आपको करके दे देगा। तो गाइस फाइनली ऑलमोस्ट हो ही गया, अभी भैया थोड़ा देखेंगे टेस्ट करके कैसा हो रहा है नहीं हो रहा है। तो हेलो गाइस, हैंडल लगाने का बाद आज शायद चौथा या पांचवा दिन है, मतलब और बाहर निकला ही नहीं ठीक से, तो ब्लॉग भी बनाना नहीं हुआ। और जो मैं पहले वाला ब्लॉग देखा उस दिन निकला था, लेकिन उस दिन भी वो हैंडल का काम के लिए, तो अभी हैंडल का काम ऑलमोस्ट हो गया, फिर भी थोड़ा बहुत है वो धीरे धीरे कर लेंगे। मतलब आप देख पा रहे हैं ये हैंडल ऐसा हो रहा है, तो चलाने में तो ठीक ही है, लेकिन मेरा हिसाब से और थोड़ा मतलब ऊंचा होने से ज़्यादा अच्छा था, मतलब स्टिल अभी भी थोड़ा मुझे झुकना पड़ रहा है। और जो लोग डायरेक्ट वो मतलब जो क्लेम है ये वाला जो डायरेक्ट लगाता है नीचे प्लेट में, वो लोग को भी थोड़ा झुकना पड़ता ही है। अगर आप 6 फीट जैसा हो तो शायद नहीं झुकना पड़ सकता है, और अगर आप 5.10 का नीचे होने से आपको थोड़ा होने से भी झुकना पड़ेगा ही, लेकिन अगर आपका हाथ ज़्यादा लंबा है तो अलग बात है। लेकिन फिर भी मतलब ये हो ही गया ऑलमोस्ट, जो ये वाला प्लेट है ना नीचे वाला, वो प्लेट को अगर हम थोड़ा ऊपर करेगा प्लेट को, वो प्लेट ऊपर करने से ये हैंडल भी एडजस्ट होगा बस थोड़ा सा। ये देखो अभी हम ऐसा है, अगर मतलब सीधा रहना है तो हम मुझे ऐसा होना पड़ेगा, तो बस थोड़ा सा 1-2 इंच का फर्क है, वो ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, हो जाएगा। और ठीक ही लगता है चलाने से, मतलब जो रियल वाला हैंडल है ना वो तो ज़्यादा बेहतर होगा ओबियसली, क्योंकि वो बाइक इसके लिए दिया है, मतलब ये वाला हैंडल के लिए ये बाइक है ही नहीं। तो अगर आप लोग सिटी राइड करते हैं, मतलब सोच लो एक्चुअली सिटी राइड नहीं, जो नॉर्मल टाउन होता है हम लोग जैसे है जहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता है, तो वहाँ पे जो नॉर्मल वाला पहले का रहता है क्लिप ऑन, वो वाला बेस्ट है मेरे हिसाब से। मतलब अगर आप एक दिन पे 200 किलोमीटर भी चलाता होगा तो भी वो हैंडल आपके लिए सफिशिएंट है, अच्छा ही है। ये वाला हैंडल वो लोग लगाना है जो लोग सिटी में ज़्यादातर ट्रेवल करते हैं सिटी में, क्योंकि ट्रैफिक होते है रुकना पड़ता है, वो वाला हैंडल में झुकना पड़ता है तो थोड़ा दिक्कत आता है, फिर भी चलता है वो वाला हैंडल से भी। लेकिन अगर आप लोग मतलब टूर करना चाहते हैं लेकिन ये बाइक लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि ये बाइक का पावर अच्छा है प्लस लुक्स भी अच्छा है, बस हैंडल ऐसा नहीं है, अगर आप इसमें ऑफ रोडिंग का रोड लगाएंगे तो ये टूरिंग के लिए भी बहुत अच्छा हो जाएगा। मतलब ये ओवरऑल बाइक बहुत अच्छा है, बस खाली क्लिप ऑन हैंडल है और स्पोर्ट है, स्पोर्ट बाइक है इसलिए ऐसा है, तो वो लोग के लिए ये बेस्ट होगा ऐसा हैंडल लगाने से। आप अपना हिसाब से और भी ज़्यादा अच्छा अच्छा हैंडल लगा सकते थे, शायद मैं भी बाद में चेंज करेगा पता नहीं। और हाँ, आप जब सीधा बैठेंगे, मतलब जब आप नॉर्मली चलाते हैं तो ऐसा लगता है बहुत नीचे है ऐसा है, लेकिन आप जब ऐसा सीधा चलाएगा तो ऐसा लगेगा बहुत हाइट पर बैठा हुआ है। मतलब ज़्यादातर बाइक जो लोग आदमी चलाते हैं उससे आपका हाइट ज़्यादा ही होगा ज़्यादातर का ही, क्योंकि मतलब सीटिंग पोस्चर ही ऐसा हो जाता है। तो ठीक है, चलाने में कम्फर्ट है, स्पीड चला सकता है, लेकिन टॉप एंड टो जरूर नहीं जा पाएगा। और ये वाला हैंडल में और एक बात है, जैसे कि आप जो नॉर्मल क्लिप ऑन हैंडल होते हैं आप वो वाला में 100-120 भी आराम से चला सकते हैं, आराम से ले सकते हैं, लेकिन ये वाला हैंडल में क्या होता है ना गाइस, आप लोग को इतना जोर से चलते रहने का मन ही नहीं होगा। मतलब चला सकते हैं हाँ, मतलब 120 भी उठेगा, 130 भी उठेगा, लेकिन आप लोग को वो स्पीड में भगाते रहने का मन नहीं करेगा, जो नॉर्मल क्लिप ऑन बार से करते हैं यहाँ पे वो मन नहीं होगा, क्योंकि मतलब डायरेक्ट विंड ब्लास्ट चेस्ट पे लगता है और मतलब इतना अच्छा भी नहीं लगता है, तो इसीलिए। लेकिन अगर आप हाईवे पे चलेगा तो शायद हो जाएगा, क्योंकि हाईवे में अब तक मैं चला के देखा नहीं।
मैं कहीं पे जगह मिलने से रुक के आप लोग को दिखा रहे थोड़ा लुक्स। और ये वाला मेरा मतलब टर्निंग लेने का टाइम पे ये वाला यहाँ पे लगता है, तो उसके वजह से वहाँ पे वो गार्ड देना पड़ता है। लेकिन वो गार्ड नहीं देने से भी होता है अगर आप थोड़ा हैंडल और ऊंचा करेगा। मेरा थोड़ा के लिए मैं जैसे कि बोला था 1-2 इंच का फर्क हो गया, क्योंकि जो लगा के दिया वो मतलब इसको नहीं उठा, वो बोला इसको नहीं उठाने से भी चल जाएगा। पर मैं नेक्स्ट टाइम जाने से कोई सर्विस सेंटर में जाने से भी ये उठाई गई, थोड़ा उठाने से अच्छा है। लेकिन जो भी अभी ये तो टूट ही गया मेरा, तो इसलिए मैं सोच रहा इसको मैं थोड़ा काट देगा। काटने से क्या होता है ना, नहीं लगता, मतलब ज़्यादातर ही काटते ही है ऐसा हैंडल लगाने से। अगर आप जस्ट ट्रायल करने के लिए हैंडल लगाना चाह रहे हैं तो मत लगाइए, अच्छा नहीं है। मतलब अगर आप ज़्यादा लॉन्ग राइड भी नहीं करते, ज़्यादा दूर तक जाता नहीं, खाली घर से अप डाउन करते कहीं पे, तो मेरे हिसाब से नहीं लगाने से चल जाएगा। आप खाली टेस्ट ही करना चाहते हैं तो किसी ना किसी का मिलेगा, कभी टेस्ट ड्राइव कर लेना। क्योंकि आप इतना मतलब पैसा खर्च करके लगा के अगर आपका कुछ बेनिफिट ना हो तो कुछ फ़ायदा नहीं है। और आप लोग को अगर ऐसा बाइक ही चाहिए तो ये बाइक ही मत खरीदो, डायरेक्ट एमटी है इसके लिए, नहीं तो कुछ और ले लेना। मतलब ये बाइक स्पोर्ट्स के लिए है तो उसमें ज़्यादा अच्छा होता है। मैं ये इसलिए कहा क्योंकि मैं थोड़ा लंबा लंबा जाता है, क्योंकि हम लोग का यहाँ से गुवाहाटी काफ़ी दूर होता है। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये हैंडल एक्चुअली जो मैं बोला था ना, ये वाला जो क्लेम है, मतलब आप लोग देख पा रहा होगा ये वाला क्लेम, ये वाला को थोड़ा और ऊपर हाइट कर सकते हैं तो ये भी ऊपर जाएगा, तो हैंडल थोड़ा ऊंचा हो जाएगा जो भी हो। और इसको मैं डोमिनार का लगाना चाह रहा है अभी। तो अगर आप लोग ऐसे क्लेम बनाएगा एक्स्ट्रा से, तो जो ये वाला जो पोर्शन है जो आप लोग देख पा रहे हैं, ऐसा मैं फोटो पर भी दिखा रहा, ये वाला पोर्शन को थोड़ा और ऊपर उठा सकते हैं आप लोग तो ज़्यादा अच्छा होगा ऊपर उठाने से। क्योंकि ये भी ठीक है लेकिन और ज़्यादा हाइट करने से और अच्छा, मतलब वो हैंडल का हाइट बढ़ जाएगा। तो वही बात है, बाकी जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरा ये जो ब्रेक लग के ये वाला टूट गया, तो ये ऑलरेडी टूट ही गया, अभी कोई काम का है नहीं, तो इसके लिए मैं थोड़ा काटेगा इसको, तो नया लगाना ही पड़ेगा। अभी नहीं, जब मैं हैंडल चेंज करेगा, अभी तो नहीं करेगा, 1 साल तो ऐसे ही चलेगा देखता है, तो उस टाइम लगेगा। इसका प्राइस अराउंड 1200 का आता है शायद, तो मुझे ये मास्क लगाना पड़ेगा ओबियसली, तो इसीलिए अभी हम इससे इसे साइड में काट देगा। तो आप लोग को थोड़ा बहुत ये करना ही पड़ेगा कॉम्प्रोमाइज़ अगर आप करना चाहते हैं ऐसा टाइप का। बाकी सही है, सब ठीक ही है। और हैंडल ना ऐसा है तो मेरे हिसाब से थोड़ा और ऐसा ऊंचा होने से अच्छा था ऐसा टाइप का, लेकिन ये वाइट ज़्यादा है, एमटी का हैंडल है, तो आप दूसरा हैंडल भी ट्राई कर सकते हैं आफ्टर मार्केट डायरेक्ट सीधा। तो वही है, बाकी सब ठीक ठाक ही है। अगर आप लोग को अच्छा लगा देख के तो देखते रहिए ब्लॉग।